All right, so hi students, this is me Nikhil Gambhir and I am your chemistry mentor at Udaan. आज अगले 3 मिनट में आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ जो बच्चे जनरली पढ़ तो लेते हैं बट रिविजन टाइम पे इग्नोर कर जाते हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टोटल 4 लॉज हैं हमारे सिलेबस में. याद रहेगा रिविजन के टाइम पे तो आपको समझना बहुत आसान रहेगा क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद ना आए बट कभी कभी क्वेश्चन इन 4 लॉज में से आ भी जाता है. सबसे पहले सबसे सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सर? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो. सर मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वाइस वर्सा सोचेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस ही करते हैं टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये सब बातें पहले लॉ में हैं जो सबसे सिंपल लॉ है. क्वेश्चन इससे नहीं बनता. लेकिन दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. बचपन की कहानी है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन की. और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है जो बचपन की किताब में ही था. पानी कहीं से उठा लीजिए, टूटी में से, पॉन्ड में से, लेक में से, ओशन में से, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, वॉट एवर वाटर, एनी कंपाउंड विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स. कोई भी कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स. वो कहीं से भी उठाया गया हो उसके एलिमेंट सेम होंगे जो कि मास के रिस्पेक्ट में सेम प्रपोर्शन में होंगे. यानी कि अगर पानी की बात करेंगे तो पानी कहीं का भी हो वो हमेशा H2O होगा. और H2 यानी कि 2O यानी कि 16 वो हमेशा 1:8 ही होगा. दैट इज रेशो बाय मास या रेशो बाय वेट लिखा है NCERT ने. एक ही बात है केमिस्ट्री में मास और वेट में डिफ्रेंशिएट नहीं करते. यानी कि एनी कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास. ये भी नकली नकली सवाल है, ठीक ठाक हो जाएगा. तीसरा नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि 2 एलिमेंट्स की कहानी है. समझेंगे, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन 1 कंपाउंड की कहानी, मल्टीपल प्रपोर्शन 2 एलिमेंट्स की कहानी है. यानी कि 2 एलिमेंट्स मिलके 1 से ज्यादा अगर कंपाउंड बनाएंगे जैसे SO2 और SO3, सल्फर ऑक्सीजन ने मिलके SO2 भी बनाया SO3 भी बनाया. तो अगर 2 एलिमेंट्स मिलके 1 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो 1 एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जो दूसरे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा वो एक फिक्स्ड रेशो में लाई करेगा. जैसे नाइट्रोजन आपकी स्क्रीन के सामने है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO बनाया, N और O2 मिलके NO2 बनाया. दोनों में नाइट्रोजन 14 ग्राम्स है लेकिन NO में O16 है, O2 में 32 है. 16:32 यानी कि 1:2. इट विल ऑलवेज बी अ सिंपल होल नंबर रेशो. डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू मेक मोर देन 1 कंपाउंड देन द मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट लाइज इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. भाई होल नंबर रेशो यानी कि सिंपल 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4 ऐसे रहेगी, डेसिमल्स में रेशो नहीं आएगी. जैसे भी बात कर लेते हैं SO2 SO3 की भी बात कर सकते हैं तो आप देखोगे कि सल्फर इज 32, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 32 है, यहाँ सल्फर 32 लेकिन ऑक्सीजन 48 है. तो सल्फर तो फिक्स हो गया 32, एक ऑक्सीजन है 32, एक है 48. आंसर विल बी 2:3 रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिससे क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत बार आया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस. 3 एलिमेंट्स की कहानी है. सर कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन 1 कंपाउंड की, मल्टीपल प्रपोर्शन 2 एलिमेंट की, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन 3 एलिमेंट की. कैसे? हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन. सर हाइड्रोजन ने सल्फर से रिएक्ट किया H2S बनाया, हाइड्रोजन ने सल्फर से रिएक्ट किया H2S बनाया, कंबाइनिंग रेशो 232. जल्दी से 232. सर हाइड्रोजन ने ही ऑक्सीजन से भी रिएक्ट किया, कंबाइनिंग रेशो 216. और ऑक्सीजन और सल्फर ने भी जो रिएक्ट किया तो यानी कि 3 एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन ने सल्फर से जो रिएक्ट किया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से जो रिएक्ट किया तो जब सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वो सेम होगा. सर ये 2 ग्राम 32 ग्राम से, 2 ग्राम 16 ग्राम से, तो सर ये 16 और 32 रिएक्ट करेंगे. SO2 32 रेशो 6:30, सल्फर इज 32,
32:32, यानी कि 1:1. इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड थर्ड एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, 1:1 आ गया है रेशियो. द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम, या तो सेम होगा, और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर. ठीक है, बहुत सिंपल. यहां 1:1 था, वहां पे चला गया ये 1:2 में. यहां पे 16 है, यहां पे 32, 1:2 मल्टीपल ऑफ दैट रेशियो. समझ जाएंगे. तो ये चार लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आपको आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर थ्रो कर सकते हैं. ऐसे ही की एक्साइटिंग ट्रिप्स के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चलते रहिए इस चैनल पे. और बहुत अमेजिंग सी बातें आपको यहाँ पे 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोस में मैं आपको सारे केमिस्ट्री कवर करने की कोशिश करूंगा. फाइन, टेक केयर.